हेलो, दिस इज एनकेमिस्ट एंड यू आर वॉचिंग एनकेमिस्ट क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट मॉडल वर्ब्स। पास्ट मॉडल वर्ब्स में आज आपको सीखना है कुड हैव टू, मे हैव के साथ में हैड भी देखेंगे। उसके बाद क्या है कि माइट हैव बीन, मस्ट हैव, शुड हैव बीन या फिर वुड हैव का प्रयोग आपको सीखना है। उसके साथ में बिल्कुल एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी ले चलते हैं कि अगर मॉडल वर्ब्स आप में कई लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं और उसके बाद इन सभी को कंप्लीट करवाते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका राइटिंग स्किल, आपका स्पोकन स्किल बेहतर हो तो ज़रूरी है कि मॉडल वर्ब्स के पास्ट रूप को समझना ज़रूरी है। क्योंकि मॉडल वर्ब्स का भी बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंस होता है आपके राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए, स्पोकन स्किल को बेहतर बनाने के लिए। तो ज़रूरी है कि मॉडल वर्ब्स को आप सही से समझें और जो भी दिक्कत है बाद में हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो से ले चलते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बताने से पहले बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ध्यान में जरूर रखते हैं ताकि उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप यहां पर देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कैन, मे और माइट तीनों का मतलब होता है सकता है, और इन तीनों को हम मुख्य रूप से पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देख समझना ये है कि तीनों में अंतर क्या है। तो पॉसिबिलिटीज़ कैन से अधिक होता है। अगर किसी काम के होने की संभावना अधिक है तो आप वहाँ पर कैन का प्रयोग कीजिए। अगर वही किसी काम के होने की संभावना कम है तो आप फिर मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मे से 50% पॉसिबिलिटीज़ होता है और कैन से 90% पॉसिबिलिटीज़ होता है। फिर माइट से देखेंगे 30% संभावना है किसी काम के होने का। तो मॉडल वर्ब्स में इन सभी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कांट, और देखिए अगर कैन को निगेटिव में अगर बोलना है चाहे लिखना है खासकर, तो किन बातों का ख्याल रखना है सो देख लीजिए। कांट आप लिख सकते हैं, अगर कैन नॉट बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, खासकर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे, कैन नॉट को ज्वाइन कर देंगे उस, लेकिन कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिखेंगे, कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, इस बात को बस ख्याल रखना है। उसके बाद मे बी अगर एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा शायद या संभव है, संभव है। और अगर मे बी अलग अलग करके लिखते हैं तो इसका मतलब है हो सकता है, खासकर एक सेंटेंस के जरिए भी देख लेते हैं। जैसे मे बी यहाँ पर एक साथ हमने लिखा है तो इसका मतलब है संभव है ही कैन स्पीक इंग्लिश, संभव है या फिर शायद वो अंग्रेजी बोल सकता है, या संभव है वो अंग्रेजी बोल सकता है। उसके बाद देखेंगे ही मे बी अ डॉक्टर, फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ शो कर रहा है कि डॉक्टर बन सकता है, तो ही मे बी अ डॉक्टर। तो दोनों के मीनिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मे बी अगर एक साथ ज्वाइन करके लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है संभव है, और अलग अलग लिखते हैं तो इसका मतलब है हो सकता है। तो लेकिन और बनाने के स्ट्रक्चर में अगर इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें भी अंतर आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम टोटल एक एक करके देख लेते हैं, और उसके बाद देखिए डेयर, नीड और यूज्ड टू, ये भी मॉडल वर्ड्स है लेकिन इसे मार्जिनल मॉडल वर्ड्स कहते हैं, और ये हम टेंस के जैसे भी बना सकते हैं। जैसे अभी ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब्स है, और इसे हम टेंस के रूप में भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल हम पास्ट मॉडल वर्ब्स को आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे सभी पास्ट में होगा, सभी का मीनिंग पास्ट में होगा, तो एक एक करके सबको देख लेना है। तो सबसे पहले है कि सब्जेक्ट प्लस कूड हैव, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हम सभी में आई या फिर ही लिखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। तो यहाँ पर कूड हैव के बाद में जो है वी थ्री का प्रयोग करेंगे, और इसका मतलब भी है सकता था, लेकिन मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है कि समवन हैड एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट बट ही डिंट। इसका मतलब हुआ कि वह किसी व्यक्ति के पास में किसी काम को करने की क्षमता थी लेकिन नहीं किया। ये कन्फर्मेशन है कि जब भी कूड है प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब है कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो जैसे हम लिखेंगे आई कूड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन का मतलब है कि मैं परीक्षा पास कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। आई कूड हैव वॉक्ड 10 km ऑन फुट मतलब है कि मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता था लेकिन नहीं चल सका। उसके बाद आई कूड हैव वॉन द रेस, मैं रेस जीत सकता था, नहीं जीत सकता। इसका मतलब है कि आई हैड एबिलिटी टू डू समथिंग बट आई डिंट।
उसके बाद है आई कुड हैव रीच ऑन टाइम का मतलब मैं समय पर पहुंच सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। तो ये बिल्कुल आसान है और आप समझ गए होंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर जब यूज़ करते हैं तो पास्ट में वो एक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद है कुड हैव टू का मतलब है पर सकता था, मतलब ये है कि पास्ट में कोई भी काम मजबूरी बस बाध्यतापूर्वक कोई काम करना पड़ सकता था। जैसे आई कुड हैव टू वेट फॉर बस, मुझे बस का इंतजार करना पड़ सकता था लेकिन मेरा दोस्त आया और रिसीव किया, मैं उसके साथ चला गया। आई कुड हैव टू कम बैक अगेन, मुझे दोबारा आना पड़ सकता था। मुझे मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और आपका कोई सामान छूट गया, फिर दोबारा जाना पड़ गया, लेकिन अगर आपको याद आ गया फिर ले लिए चल दिए, तो अब इसी तरह हम बोल सकते हैं कि आई कुड हैव टू कम बैक अगेन, मुझे दोबारा आना पड़ सकता था लेकिन बच गए नहीं आए। उसके बाद है कि आई कुड हैव टू गेट स्टक इन द इन ट्रैफिक, मुझे ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता था लेकिन मैं रास्ता चेंज कर लिया और मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा। तो कोई काम करना पड़ सकता था, तो आपको याद रखना है इस मॉडल वर्ब्स में कि आप कुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मे हैव के साथ में अगर भी थ्री का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होगा कि या होगा, लेकिन ये सब पास्ट के लिए ही है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे ही मे हैव हर्ड माई नेम, उसने मेरा नाम सुना होगा का मतलब पास्ट की ही बात है कि पास्ट में मेरा नाम सुना होगा। ही मे हैव लिसन्ड टू दिस सॉन्ग, उसने इस गाना को सुना होगा, तो ये भी अगर मान लीजिए सुना ही होगा तो पास्ट में सुना होगा, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, मे है प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद क्या है कि मे हैव तो ठीक है लेकिन उसके साथ में हैड का प्रयोग भी हम कर रहे हैं, तो एक बात याद रखेंगे कि हैव का मतलब रखना होता है, हैव का मतलब रखना। तो यहाँ पर जो है ये हैड जो है सो वी थ्री का काम कर रहा है और इसका मीनिंग होगा कि रखता होगा, रखता होगा। पास्ट की बात ये भी कर रहा है कि पास्ट में वो किसी चीज़ को रखता होगा। तो कैसे सेंटेंस होगा, जैसे ही मे हैव हैड सम काउज, वह गाय रखता होगा, मतलब पास्ट में उसके पास गाय रहता होगा। उसके बाद क्या है कि ही मे हैव अ कार एट होम, उसके घर पर एक कार रहता होगा, मतलब ये है कि वह एक कार रखता होगा अपने घर पर। ही मे हैव हैड सम सर्वेंट्स, वह घर पर कुछ नौकर रखता होगा, वह नौकर रखता होगा। कोई भी चीज़ रखता होगा अगर ऐसा है तो आप उसमें मे है प्लस हैड का भी यूज़ करेंगे और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो भी होगा। ही मे हैव हैड अ बॉडी गार्ड, वह बॉडी गार्ड रखता होगा, वह बॉडी गार्ड रखता होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं माइट है प्लस वी थ्री का मतलब है या होता। अब इसमें भी क्या है कि कोई काम होता लेकिन हुआ नहीं, मतलब समथिंग वॉज गोइंग टू टेक प्लेस बट इट डिडंट, कुछ घटित होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आई माइट हैव सीन द ताजमहल का मतलब मैं ताजमहल देखा होता लेकिन नहीं देख पाया, हम उधर से गुजरे थे देख लिए होते लेकिन ऐसा कुछ काम आ गया कि नहीं देख पाए। तो आई माइट हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर लिया होता लेकिन किसी कारणवश अपने काम को समाप्त नहीं कर पाए। तो इन सब को जुबान पर रखिए कि कोई काम कर लिया होता तो माइट है प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई होती या फिर मैं ट्रेन को छोड़ दिया होता। तो छूट जाना लेकिन छूटा नहीं, ये बात है कि इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि ट्रेन उसने पकड़ लिया। तो आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई होती लेकिन हम ट्रेन पकड़ने में सफल हुए। उसके बाद क्या है कि माइट हैव बीन का प्रयोग का मतलब है कि हुआ होता, हुआ होता या फिर हो गया होता, कोई भी चीज़ बन गया होता। जैसे ही माइट हैव बीन अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा कलाकार बन गया होता, वह एक अच्छा कलाकार हो गया होता। ही माइट हैव बीन द सीएम ऑफ बिहार, वह बिहार का चीफ मिनिस्टर हो गया होता। तो इस तरह से आप करना क्या है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट करते चलना है और इन सब पर बहुत सारा सेंटेंस बनाकर कमान करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ही मस्ट हैव के बाद में अगर वी थ्री का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि अवश्य अवश्य किया होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने इस काम को जरूर किया होगा
तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर जैसे ही मस्ट हैव गॉन टू हाउस, वह जरूर घर चला गया होगा। ही मस्ट हैव हर्ड योर नेम, उसने अवश्य तुम्हारा नाम सुना होगा। ही मस्ट हैव सीन मी समवेयर, वह मुझे जरूर कहीं देखा होगा। ही मस्ट हैव लर्नड ड्राइविंग अ कार, उसने कार चलाना जरूर सीखा होगा। ही मस्ट हैव डन सच वर्क, और उसने ऐसा काम जरूर किया होगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने किसी काम को जरूर किया होगा, अवश्य किया होगा, तो मस्ट हैव के साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है शुड हैव का प्रयोग कब करेंगे, और इसमें भी वी थ्री का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम, करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, नहीं किया। तो जैसे ही शुड हैव, जैसे आई शुड हैव टोल्ड हीम अबाउट दिस, आई शुड हैव टोल्ड हीम अबाउट दिस, मुझे इस चीज़ के बारे में उसे बतला देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बतला पाए, मुझे ऐसा करना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन हिम द ट्रुथ, मुझे उसे सच बतला देना चाहिए था। देखिए, ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब रिटेन के लिए, आप अगर आप चाहते हैं कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो, तो इसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और स्पोकन इंग्लिश में भी अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, तो फिर कोई विकल्प भी नहीं है, आपको इसे बोलना पड़ेगा, इसे सीखना है। तो आई शुड हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई नाउ, मुझे अब तक काम समाप्त कर लेना चाहिए था, मुझे अब तक अपना काम को समाप्त कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। आई शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मुझे वहाँ समय पर पहुँच जाना चाहिए था। तो देख रहे हैं कि ये सब पास्ट मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स को हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे वो आप सीख रहे हैं। तो कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन शुड हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि होना चाहिए था, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए था। जैसे ही शुड हैव बीन एट होम डेट टाइम, उसे उस समय घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन स्कूल ऑन मंडे, उसे मंडे को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन स्कूल गया ही नहीं, जरूरी था वहाँ जाना। ही शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, उसे एक ईमानदार कर्मचारी होना चाहिए था, नहीं हुआ। ही शुड हैव बीन एन ऑफिसर, उसे एक ऑफिसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ही शुड हैव बीन ऑन टाइम देयर, और उसे वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए था, समय पर रहना चाहिए था, उससे वहाँ समय पर होना चाहिए था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को देखते चले सही से। उसके बाद क्या है कि वुड हैव के बाद में भी हम वी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं, और इसका मीनिंग होगा या होता। इसका मतलब यह है कि कोई काम किया होता, कोई काम किया होता, जैसे माइट हैव का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही वुड हैव मेट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिल लिया होता, वो अपने फ्रेंड से मिल लिया होता। ही वुड हैव मेट मी ऑन मंडे, वह मुझसे मंडे को मिल लिया होता, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद है ही वुड हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त कर लिया होता, लेकिन नहीं कर पाया। He would have passed the exam, वह परीक्षा पास कर गया होता, लेकिन पास नहीं कर पाया। चलिए, तो आप, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन प्रयास कीजिए कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आप उसे रेगुलर देखिए, और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी दीजिए। तो आज का सवाल है कि उसे ईमानदार होना चाहिए था, अभी जस्ट बताएं हैं और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। उसे ईमानदार होना चाहिए था। चलिए हिंट्स देते हैं कि आपको इस रूल पे ही शुड हैव बीन गलत नहीं होना चाहिए। हम रोज़ देखते हैं कि हिंट्स देने के बावजूद भी आप में से कई लोग गलत आंसर देते हैं, तो लगता है कि आप वीडियो को सही से देखते नहीं हैं। जब भी आपको डाउट लगे तो आप फिर से देखिए, दोबारा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और रेगुलर देखिए। जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो कभी देखना, कभी देखना, नहीं देखना। तो जो स्टडी है एक मेडिसिन की तरह है, इंग्लिश में जो आप एलोपैथ की दवा खाते हैं, छोड़ छोड़ कर दवा खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेगुलर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो कम से कम हमारे साथ आपको 1 ईयर या फिर रेगुलर चलता रहना पड़ेगा, सीखते रहना चाहिए। हम लोग अभी भी सीखते हैं, हर लोग जो भी आप देख रहे हैं, सभी को कठिन परिश्रम करते रहना पड़ता है। तो आप लोग भी हमेशा सीखते रहिए, अपने खुद को इम्प्रूव करते रहिए। तो चलिए, आपके हम आंसर का इंतजार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।